दोस्तों, मनुष्य हजारों सालों से कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन ये सभी कपड़े प्राकृतिक रूप से जो फाइबर बनता है उससे बनाए हुए होते हैं। लगभग 140 साल पहले पहली बार 1884 में रेयन का आविष्कार हुआ, जिसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। इसके बाद सन 1935 में ड्यूपोंट कंपनी ने नायलोन आविष्कार किया, जो बेहद मजबूत, इलास्टिक और जल्दी सूखने वाला था। इसके बाद तो मैन मेड फाइबर की लाइन लग गई दोस्तों, और सूरत, जिसमें आज मेरे ख्याल से एक नंबर आता है मैन मेड फाइबर बनाने के अंदर, वो मैन मेड फाइबर आज सूरत में ही रिसाइकल होकर मैन मेड फाइबर बनता है, जिससे कपड़े बनते हैं। दोस्तों, मैं आने वाले फ्यूचर के अंदर ये रिसाइकल किस तरीके से होता है, एक एक बोटल्स से, जो प्लास्टिक की बोतल आप पानी पी के फेंक देते हैं, वो प्लास्टिक की बोतल भी कपड़ा जो आपने पहन रखा है, शायद उससे कहीं ना कहीं रिसाइकिल होकर वो होता है।